पश्चिम बंगाल में बीजेपी के एक और नेता की हत्या कर दी गई। सूबे के उत्तर 24 परगना जिले के तीतागढ़ के निकट भारतीय जनता पार्टी के एक स्थानीय नेता को मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। बदमाशों ने बीजेपी नेता मनीष शुक्ला को शाम को बीटी रोड पर गोली मारी। इस बीच पश्चिम बंगाल में बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक कैलाश विजयवर्गीय ने मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता मनीष शुक्ला, जो कि हमारे लोकप्रिय सांसद अर्जुन सिंह जी के खास सहयोगी थे, टीटागढ़ थाने के सामने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। निश्चित रूप से अर्जुन सिंह जी पहले से कहते आए कि वहाँ के कमिश्नर मनोज वर्मा, एडिशनल कमिश्नर अजय ठाकुर, इनको दीदी ने मेरी सुपारी के लिए भेजा है। हमें इन पुलिस पर कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि पुलिस थाने के सामने अगर हत्या होती है तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध है। इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए और इसमें पुलिस की भूमिका की भी जांच होना बहुत जरूरी है। मिल रही जानकारी के मुताबिक गोली लगने के बाद मनीष को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद मौके की गंभीरता को देखते हुए आधी रात से ही सूबे में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। वहीं बीजेपी ने इस मामले को लेकर राज्य के बैरकपुर में बंद का आह्वान किया है। इस मामले को गंभीर मानते हुए राज्यपाल जयदीप धनखड़ ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बात करने के लिए प्रदेश के डीजीपी समेत तमाम अधिकारियों को सोमवार को राजभवन बुलाया है। राज्य बीजेपी महासचिव संजय सिंह ने कहा है कि तीतागढ़ में पार्टी कार्यकर्ता मनीष शुक्ला की हत्या के विरोध में आज यानी 5 अक्टूबर को बैरकपुर में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया गया है। गवर्नर जगदीप धनखड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि तृणमूल सरकार ने पश्चिम बंगाल को पुलिस स्टेट में बदल दिया है और इसलिए वो संविधान के अनुच्छेद 154 पर विचार करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उनके दफ्तर को लंबे समय से इग्नोर किया जा रहा है। बता दें कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति को बताने वाले संविधान के अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या उसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।